हेलो एंड वेलकम बैक। अब एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 12 हम डिस्कस करेंगे। फॉर अ सर्टेन बायवेरिएट डेटा द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल। अब एक्स एंड वाई सीरीज का एएम एंड एसडी दिया है। यहाँ पर एरिथमेटिक मीन एक्स का यानी कि एक्स बार इज 13, देन एएम ऑफ वाई दैट इज वाई बार इज इक्वल टू 17, एस डी ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स ये है 3, एस डी ऑफ वाई इज 2, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई इज 2 एंड को रिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई इज 0.6 यानी आर की वैल्यू है 0.6। वी हैव टू फाइंड एक्स व्हेन वाई इज 15, तो हमें एक्स की वैल्यू ढूंढनी है एट y equal to 15 and estimate y yani we have to also find y when x is equal to 10, so at x equal to 10, so again we require both the regression equations y on x and x on y. So step number 1 hame chahiye x bar which is given as 13. Step number 2 we require y bar which is also given as 17. तो ये दो information these are given. Next हम ढूंढेंगे regression coefficient of y on x. Say b y x और जो formula हम use करेंगे वो है r into sigma y upon sigma x. अब r की वैल्यू दी है 0.6, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y इज 2, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x इज 3, ये अगर हम कैलकुलेट करते हैं वी गेट दिस एज 0.4, करेक्ट। अब यहां से हमें मिल जाएगी y on x रिग्रेशन इक्वेशन, सो वी कैन गेट द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x, सो देयरफॉर द y on x regression equation is, now we know that y on x equation is given by y minus y bar is equal to byx into x minus x bar. Now we just put all these values over here, so y minus 17 byx is 0.4 into x minus x bar, अब x bar दिया है 13, तो ये simplify करने पर we get y minus 17 is equal to 0.4x, 13 into 0.4 gives 5.2, ये आ जाएगा 5.2, proceeding further 17 उस तरफ ले लेते हैं, so y equals 0.4x माइनस 5.2 प्लस 17, सो 17 माइनस 5.2 ये आएगा 11.8, सो y on x इक्वेशन इज 0.4x प्लस 11.8, तो ये आ गया हमारा y on x रिग्रेशन इक्वेशन। अब इसके हेल्प से हम y की वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकते हैं, देखते हैं x क्या दिया है। दिस पार्ट वी हैव टू फाइंड y एट x इक्वल्स 10, राइट। y on x का यूज क्या है, y ढूंढने के लिए, तो x हमें दिया है 10, सो एट x इक्वल टू 10 y की वैल्यू मिलेगी 0.4 इंटू 10 प्लस 11.8, सो वी हैव y इक्वल टू ना 0.4 इंटू 10 ये हो जाएगा 4 प्लस 11.8, सो फाइनली वी हैव y इक्वल टू 15.8। तो चलो एक वैल्यू तो प्रेडिक्ट हो गई, दिस वाज स्टेप नंबर 4। अब स्टेप नंबर 5, वी ऑब्टेन बी एक्स वाई यानी रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y, बिकॉज इसकी जरूरत हमें पड़ेगी x ऑन y इक्वेशन में, सो दिस इज गिवन बाय r इनटू sigma x upon sigma y. Now the value for r is 0.6,
स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स ये है 3, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई है 2, ये सिंप्लीफाई करते हैं 0.3, तो ये हो जाएगा 0.9, ये वैल्यू में मिलता है 0.9, एंड नाउ वी गेट द एक्स ऑन वाई इक्वेशन. सो एक्स ऑन वाई regression equation is, now the form is x minus x bar is equal to bxy into y minus y bar. अभी ये हम सब value substitute कर देते हैं. So x minus x bar है 13, this is 0.9, into y minus y bar is 17. So proceeding further, we have x minus 13 equal to 0.9y minus, now 0.9 into 17 gives 15.3. ये आ जाता है 15.3. अब minus 13 को हम right hand side पर ले जाते हैं. So we have x equal to 0.9y minus 15.3 plus 13. So x equals 0.9y, इसमें से 13 का डिफरेंस लेते हैं तो 2.3, सो ये माइनस 2.3. तो ये आ गया हमारा x on y regression equation. अब इसके हेल्प से हम x की मिसिंग वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकते हैं. देखें क्या दिया है. We have to find x at y equal to 15. तो इस वाली इक्वेशन में हम y equal to 15 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. So at y equals 15, we get x equal to 0.9 into 15 minus 2.3. So we have x equal to, now 0.9 into 15, ये है 13.5. This is 13.5 minus 2.3. ये डिफरेंस ले लेते हैं, minus 2.3, that's 11.2. Okay, तो इसका आंसर आता है 11.2. So this is the required value for x at y equals 15.